एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने भी बैठे हैं और जनता तक अपने कुछ संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे। ये एक नया दौर शुरू हुआ है जीएमसी जम्मू में ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन का, सॉलिड ऑर्गेन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सितंबर 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी और काफ़ी सारी उसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स थे। डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की, हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर HOD यूरोलॉजी डॉक्टर इलियास शर्मा है और सुपर स्पेशलिटी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनोज चल्होत्रा और जॉइंट डायरेक्टर सोटो हमारे डॉक्टर संजीव पुरी हैं जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पर सारी मेहनत की वो डॉक्टर राजू भंडारी हैं। ये नाम लेने इसलिए ज़रूरी थे और इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स जिसमें रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें लेबॉरटरी डिवीजन के सारे डिपार्टमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, सारे डिपार्टमेंट्स, सबसे ज़रूरी एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट जो हमारा इंटेंसिविस्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो ये एक बेहतरीन नमूना पेश हुआ और काफ़ी सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा ऑर्गेन ट्रांसप्लांट्स का, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और वो हुई भी कोऑर्डिनेशन और 13 के 13 सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट्स रहे। सारे मरीज बिल्कुल अच्छे से डिस्चार्ज हुए और बिल्कुल जैसा पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए रिजल्ट्स वैसे रहे भी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कि ये हमारे ही घर में आयुष्मान भारत के रहते बिल्कुल मुफ्त इलाज हमारे शहरी अपने ही घर में करवा पाए। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD बहुत सारे कारणों से उभर के आ रही है। तकरीबन 50 मरीज़ हमारे यहाँ रोज़ डायलिसिस करवाते हैं। देखा गया पिछले साल में 12,500 डायलिसिस हुए और अभी भी हमारे पास रजिस्टर्ड मरीज़ कोई 50 हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमने शुरुआत कर दी लाइव डोनर्स के साथ, इनके सगे संबंधी, इनकी माताएं या पिता या सगे संबंधी जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट कर सकते थे और चाहते भी थे उन्होंने की और हमने हमारे यहाँ जो काबिल टीम है उन्होंने ये ट्रांसप्लांट्स किए। अब ज़रूरत है जागरूकता की एक और नई तरफ, वो जागरूकता है ऑर्गेन डोनेशंस की, डिजीज्ड ऑर्गेन डोनेशन। जैसे बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स कि कोई लोग ब्रेन डेड होते हैं, यानी ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन वो पोटेंशियल डोनर है, वो बहुत सारे ऑर्गन्स उनके 2 किडनीज 2 लंग्स, हार्ट, लिवर, बहुत सारे पैनक्रियाज, स्मॉल गट और बहुत सारे टिश्यूज़ और कॉर्निया, जैसे कई लोग देख नहीं सकते हैं तो केराटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ये जागरूकता की हमारे यहाँ देखा गया है कि उत्तरी भारत में सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर 2 लाख किडनीज हमें एनुअली चाहिए होती हैं तो कोई 7,000 किडनीज ही ट्रांसप्लांट हो रही हैं, बाकी के लोगों के लिए किडनीज अवेलेबल नहीं हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मन की बात जो कार्यक्रम है उससे हमें पता चला कि सबसे छोटा जो डोनर है वो चंडीगढ़ में 39 ईयर्स का बच्ची एक जो 39 साल की थी सिर्फ, और क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था वो 39 डेज की वो बच्ची थी, 39 दिन की थी सिर्फ वो, और कोई ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट से पैदा हुई थी कि वो जी नहीं सकती थी। उसको 39 दिन में 2 बार कुछ हृदय गति रुक गई, तो 2 जिंदगियां वो बच्ची, उसके माता पिता ने भी बहुत ये अच्छा उदाहरण पेश किया और उसने जाते जाते 2 जिंदगियां बचा दी उस बच्ची ने। तो बहुत आप बढ़ चढ़ कर ये जो सब्जेक्ट है इस पर अवेयरनेस हो रही है। हम सब ने भी प्लेज फॉर्म्स भरे हैं कि जो हमारे मॉर्टल रिमेन्स, इमॉर्टल रिमेन्स भी में से भी कुछ अगर ऑर्गेन्स जो हैं वो लिए जा सकें और वो बाद ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी चलती रहे उन ऑर्गेन्स की वजह से, तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़। बहुत सारी प्लेज फॉर्म्स भी कोई 1400 हमारे यहाँ भर लिए गए, जम्मू में भी हो रही हैं ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़, सोटो ही कर रहा है।
और हमारे यहाँ भी इमरजेंसी में यहाँ देखा जाता है कि 6 से 20 मौतें हमारी इमरजेंसी में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ये इकलौता बड़ा हॉस्पिटल है टर्शरी केयर, तो होती हैं वहाँ पे। हर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर सकता है खासकर, और कॉर्निया डोनेट करने में डेथ के 24 घंटे के बाद भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो जो लोग देख नहीं सकते, ये केराटोप्लास्टी से बहुत सारे लोग, एक लंबी वेटिंग लिस्ट है केराटोप्लास्टी के लिए भी, जितने कॉर्नियाज चाहिए 1/4 ही मिलते हैं, 3/4 अभी मिल नहीं रहे। तो ये बहुत जानने